अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बाहर है 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 और सिगरेट है, देख रही। अब मंदिर में गाय काट दी देना, थैली में भर देने। मुंडे छिपी जो है आना, वही ने पकड़े कई तो तमाम गर्दन काट को आयो कई न्यू गेट एरिया सब नंबर जाओ जाओ लगा 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 रुक जा। अरे रुक जा, सोनू का नंबर है और पूरा चैलेंज कर रहा है। 6:30 बजे मेरे पास सूचना आई कि ये अपना जो खेता घड़ी है वहाँ पे कोई गोकशी हो गई है, तो फ़ोन आया तो हम तुरंत पहुँचे 5-10 कार्यकर्ता हूँ। तो वहाँ पे देखा हमने कि गौ मांस की थैलियाँ रोड के साइड में पड़ी हुई पुलिया के साइड में, और गाय के अवशेष कुएं में पड़े हैं, नालियों में भी पड़े हुए हैं। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी गाय थी, गाय मालिक ने एक लड़के को पकड़ा, उस लड़के को पुलिस लेके गई बरोठा थाने पर, उससे पूछताछ चल रही है। कुछ दिन पूर्व 12 तारीख को चुनाव से एक दिन पूर्व भी गौकशी हुई थी यहाँ पे, वो अपराधी वहाँ पकड़ा है और यहाँ पे भी ये पकड़ ही लेंगे जल्दी जल्दी। अपन तो चाहते हैं कि इन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो ना, आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। इससे क्या हिंदू गाय माता हिंदू समाज की आस्था है, और आस्था से कब तक खिलवाड़ होएगा। ठीक है, नाम रमेश कौशल, जिला गोरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। आज सुबह कंट्रोल से खबर सूचना मिली थी कि खेताखेड़ी से 20 मिनट आगे बारोठा थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने दो तीन गायों के वध किया है। गोकशी की वहाँ अवशेष भी मिले हैं। गांव वालों ने एक व्यक्ति को भी पकड़ा है, उसे अभी थाना भेज दिया गया। उसने अभी अपना नाम अमील बताया है और बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। गांव वालों ने ही उसको पकड़ा था, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोग शांति प्रियता से इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आए क्योंकि वो स्थानीय निवासी थे, उनके खेत में बंधी हुई थी, और सुबह सुबह जब वो देखने गए तो उनको ये सब देखने को मिला।